किस तरह से आप देख रहे हैं, इससे अवाम को क्या मैसेज जा रहा है जो हमें इस वक्त वुजरा नजर आ रहे हैं, चाहे वो हुकूमत के हो चाहे वो अपोजिशन के हो, जिस तरह से वो हेड टू हेड सेनेट या नेशनल असेंबली के सेशंस में अब तक परफॉर्म करते आए? देखिए, ये तो तमाशा पूरी कौम देख रही है। पहले इमरान खान और मुराद अली शाह वो आपस में लड़ते रहे हैं, आपने देखा है। वो टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे थे, मुराद अली शाह जो थे और इमरान खान जो थे, वो तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो जब मर्जी टीवी पे आ सकते हैं। तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे बस। उसके अलावा फिर अब मुस्लिम लीग नून भी आज उन्होंने जो आपने दिखाया कि ईवान में जो कुछ हुआ है, तो ये तो इनको आम लोगों से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है लोगों का। और जो अशराफिया की बात करते हैं इमरान खान, इमरान खान खुद 300 के नाल में रहते हैं, अशराफिया क्या होता है? अब ये जो बात कहना कि कोई हमने जी इसे बेईमानी से नहीं कमाया, ईमानदारी से कमाया, ईमानदारी से कमाया हो या बेईमानी से कमाया हो, अशराफिया वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े महल नुमा घरों में रहते हैं, जिनके पास अरबों की जदादें होती हैं। तो इमरान खान खुद उस पर पूरे उतरते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो खरबपति हैं, सबको मालूम है। तो अशराफिया और कौन है? और अगर अशराफिया ऐसी कोई है जो कि आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है, तो उसका नाम लें ना और उनको अंदर करें। मतलब अशराफिया ने आपको एक तो गलत राह दिखाई इस बात पर आप उनके खिलाफ एक्शन ने, दूसरा आपने उनकी बात मानी क्यों, और तीसरा ये कि जिस अशराफिया की आप पहले बात किया करते थे, आप कहते थे जी वो लोग हैं कुछ जो कि इस मुल्क को लूट के ले गए, वो दो लोग आपने उनके जो सरबराहान थे उस उन पार्टीज के, उनके खिलाफ आपने प्रोपेगेंडा कर करके अपनी सियासत की, अब तो वो बाहर हैं।